बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडे आवर टॉपिक अबाउट टोपोलॉजी। एक थ्योरम है, लेट एक्स इज टी वन स्पेस, एक्स एक टी वन स्पेस है, क्लियर। एंड इफ इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्स, इफ क्या है, इफ एक्स का सब्स्टिट्यूट है, इफ एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ, अगर एक्स एफ का लिमिट पॉइंट है, देन एवरी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ एफ। तो फिर क्या, अगर एक्स एफ का लिमिट पॉइंट है और वह तमाम ओपन सीट जिसमें ये लिमिट पॉइंट मौजूद है, ये लिमिट पॉइंट कंटेन है, तो वह तमाम ओपन सीट इस एफ की इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करेगा, क्लियर। इसका मतलब ये है कि अगर एक्स हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, इस पर टोपोलॉजी डिफाइन है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, एफ इसका सब्स्टिट्यूट है, क्लियर। इसका एक पॉइंट एक्स जो कि इस एफ का लिमिट पॉइंट है, क्लियर। x क्या है, f का लिमिट पॉइंट है। अगर ये x f का लिमिट पॉइंट है तो इस x का वह तमाम ओपन सीट, इसका वह तमाम ओपन सीट जिसमें ये x पॉइंट मौजूद है, वह इनफाइनाइट पॉइंट इस f का कंटेन करेगा, क्लियर। इसका मतलब ये है कि वह तमाम, लेट सपोज g इज एनी ओपन सीट व्हिच कंटेन x, क्लियर। अगर जी में ये पॉइंट एक्स मौजूद है तो इसी जी में इस एफ के इनफाइनाइट पॉइंट भी कंटेन होगा। तो हमको यही बात प्रूव करना है कि अगर जी कोई भी ओपन सीट है जिसमें लिमिट पॉइंट मौजूद है तो फिर ये इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करेगा। एक बात याद रखें, इसमें कंफ्यूजन स्टूडेंट को पैदा होती है कि हमने क्या एक्स फाइनाइट है, नहीं, एक्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये बात याद रखें एक्स इनफाइनाइट सीट है फिर, क्लियर। बिकॉज वजह क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें, अगर इसकी इनफाइनाइट पॉइंट इसमें कंटेन हो रही है तो किस तरह फिर ये फाइनाइट होना पॉसिबल है। एक इनफाइनाइट सीट एक फाइनाइट सीट की सब्स्टिट्यूट नहीं होगी, ये बात याद रखें, तो ये भी इनफाइनाइट है, क्लियर। और टोपोलॉजी यूजुअल भी हो सकती है, क्लियर। एक इनफाइनाइट सीट के ऊपर जो कि सीट में एलिमेंट डिस्क्रीट फॉर्म में हो, उस पर जनरल टोपोलॉजी भी हो सकती है, लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो याद रहे कि एक्स इनफाइनाइट है। तो हम इसकी प्रूफ लिखते हैं, हम इसको कंट्रोडक्शन से करते हैं। सपोज करते हैं कि जी जो है ये फाइनाइट पॉइंट कंटेन करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होते हैं नेक्स्ट, क्लियर। तो प्रूफ हम लिखते हैं, प्रूफ, लेट एक्स इज टी वन स्पेस, एक्स एक टी वन स्पेस है, क्लियर। एंड एफ क्या है, एफ इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्स एंड एक्स बिलोंग टू एक्स इज द लिमिट पॉइंट, ई एक्स जो है इज द लिमिट पॉइंट, इज द लिमिट पॉइंट ऑफ एफ, ये एफ का क्या है, लिमिट पॉइंट है, क्लियर। एंड जी इज एनी ओपन सीट, जी इज एनी ओपन सीट, ओपन सीट व्हिच कंटेनिंग एक्स, कंटेनिंग एक्स, क्लियर। मतलब क्या है कि एक्स उस जी में है, ये जी एक ओपन सीट नहीं है, ये बात याद रखे, मैनी ओपन सीट भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, यानी वह तमाम ओपन सीट जिसमें ये एक्स मौजूद है। हमको अब ये प्रूव करना है कि ये जी जो है ये इस एफ का इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करते हैं। नाउ वी शो दैट जी कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ एफ, क्लियर, कि एफ का इनफाइनाइट नंबर इसमें कंटेन हो रही है। हम कंट्रोडक्शन से प्रूव करते हैं, लेट वी प्रूव बाय हेल्प ऑफ कंट्रोडक्शन, वी प्रूव बाय हेल्प ऑफ कंट्रोडक्शन, क्लियर, बाय हेल्प ऑफ contraduction. Suppose that G contain G
contain finite number of point, point of if. Kg में finite number of point if के contain हो रही है, clear? Which is different from x, x से different है. Which is different from x, clear? X से different है. अगर x से different है तो किस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि g intersection, अगर g से हम x निकालें, clear? अगर इसका हम f से intersection लें तो ये कुछ इस तरह आएगा, x1, x2, x3 up to so on xn, clear? यानी वो तमाम पॉइंट है जो इस g में मौजूद है. अगर x से different है, अगर आप x इस बार में नहीं लिखे तो भी कुछ नहीं होगा, तब भी ठीक है, लेकिन ऐसे लिख के तो बेहतर होगा, क्लियर? यानी ये वो तमाम पॉइंट है फाइनाइट एप का जो जी में कंटेन है. अगर आप देखें, ये भी एक्स का सब्स्टिट्यूट है, ये भी एक्स का सब्स्टिट्यूट है, और ये भी एक्स का सब्स्टिट्यूट है, और फाइनाइट है, क्लियर? अगर ये फाइनाइट है तो एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड. मैंने पिछले एक थ्योरम कराया था कि every finite subset of T1 space is closed, hence this is also closed, clear? Now implies that हम डायरेक्ट लिखते हैं, आप हवाला दे कि every finite subset of T1 space is closed, तो ये set closed होगा. अगर ये closed है तो इसका complement क्या होगा? Finite होगा. लेकिन एक बात याद रखें, implies that x इसमें belong नहीं करते, clear? X not belong to x1, x2 up to so on xn. x इस सेट में बिलोंग नहीं करते. अगर x इसमें बिलोंग नहीं करते तो x इसके कंप्लीमेंट में मौजूद होगा, क्लियर? implies that x1, x2 up to so on xn complement is open, क्लियर? अगर आप पहले लिखे था कि आपको कोई दिक्कत ना हो, is closed subset of x. रीजन क्या है कि finite subset of t1 space is closed, clear? अगर ये closed है then its complement is open, clear? और उस कंप्लीमेंट में x बिलोंग भी करेगा, बिकॉज इसमें x नहीं है. x1, x2 अप टू डैश डैश xn कंप्लीमेंट इज ओपन, क्लियर? अगर आप देखें, ये भी एक ओपन सीट है, और इसी तरह g भी एक ओपन सीट है, ये दोनों x कंटेन कर रही है, यानी इसमें भी x मौजूद है और इसमें भी x मौजूद है. अगर आप लिमिट पॉइंट की डिफिनीशन रिकॉल करें, लिमिट पॉइंट की डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं कि x हमारे पास एक स्पेस हो और a इसका एक सब्स्टिट्यूट हो, क्लियर? तो अगर हम इस x से एक पॉइंट ले x, तो ये इस a का लिमिट पॉइंट होगा, जब अगर जिस ओपन सीट में ये पॉइंट मौजूद हो और अगर हम उनसे ये पॉइंट निकालें और फिर a के साथ इसका इंटरसेक्शन लें और ये नॉन एम्प्टी आ जाए, क्लियर? तो फिर हम कहते हैं कि ये पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है. यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिस ओपन सीट में ये पॉइंट मौजूद है उसी ओपन सेट में इसके अलावा ए के कुछ और एलिमेंट कंटेन होनी चाहिए, क्लियर? तो हम ये डिफिनीशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम ये कंसेप्ट यूज करने वाले हैं कि नाउ g n x1, x2, x3 up to so on xn complement are open set which containing x, clear?
जो कि एक इसमें कंटेन हो रही है। अब हम ये डिफिनेशन यूज करने वाले हैं, ये दो ओपन सीट है, अगर यहाँ पर दो ओपन सीट है, लेट सपोज एच अगर ए कोई भी स्पेस और कोई भी ग्राउंड सीट है, ए इसका सबसेट है, अगर हम एक एक्स पॉइंट ले इस एक्स से क्लियर, और लेट सपोज दिस इज कंटेन एच एंड दिस इज कंटेन जी, क्लियर, तो ये इसका लिमिट पॉइंट होगा कब, अगर हम इंटरसेक्शन ले जी और जी से ये पॉइंट निकाले, क्लियर, इसी तरह हम इंटरसेक्शन ले एच और इससे ये पॉइंट निकाले, क्लियर, तो अगर इनके साथ ही इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आया तो ये पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट होगा। अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लें और फिर इनसे पॉइंट निकाले, बाद इसके साथ करें, कोई बात नहीं, तो हम यही कंसेप्ट यहाँ पर लगाते हैं, इम्प्लाइज दैट एक्स कंप्लीमेंट एक्स वन एक्स टू अप टू डैश डैश एक्स एन कंप्लीमेंट, अगर हम इससे एक्स निकालें, क्लियर, अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें जी के साथ और जी से अगर हम जी से एक्स निकाले, क्लियर, ये हम किसका लिमिट पॉइंट देखते हैं, लिमिट पॉइंट है एफ का, तो हम यहाँ पर इनका एफ के साथ इंटरसेक्शन हम लेते हैं और देखते हैं कि क्या होते हैं, इक्वल टू अगर आप देखें तो इस इंटरसेक्शन हमारे पास कमुटेटिव है, तो हम पहले एफ लिखते हैं बाद में ये लिखते हैं, कोई बात नहीं है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह होगा एक्स वन एक्स टू अप टू डैश डैश एक्स एन कंप्लीमेंट, क्लियर, और अगर आप देखें इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास किसके बराबर है, मैंने पहले यहाँ पर लिखा था लेकिन मैंने मिटाया है कि इन दोनों का इंटर मौजूद है, इन दोनों का इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन एफ हमारे पास बराबर है एक्स वन एक्स टू अप टू डैश डैश एक्स एन, ये इंटरसेक्शन और ये बराबर है एक्स वन एक्स टू अप टू डैश डैश एक्स एन, क्लियर, अगर आप कमुटेटिव यूज करें कोई बात नहीं, मैंने पहले आपको बताया लेकिन ऐसे ठीक है ऐसे कर ले। अगर आप देखें ये सीट और ये सीट एक दूसरे के कंप्लीमेंट है, ये इसका कंप्लीमेंट है और आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज ऑलवेज एम्प्टी, क्लियर, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, ये इंटरसेक्शन एम्प्टी आया, ये एम्प्टी क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है, ये तो ये बात रिप्रेजेंट करती है कि ये एक्स इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ इफ दिस रिप्रेजेंटेड this show that x is not the limit point of if, के x if का limit point नहीं है, लेकिन मैंने इब्तिदा में क्या माना था कि x if का limit point है, clear, तो ये contradiction आई, ये contradiction किस वजह से आई, ये हमारी गलत से पोजीशन की वजह से हुई, जो मैंने कहा कि ये इंटरसेक्शन एक फाइनाइट है, क्लियर, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये इंटरसेक्शन फाइनाइट नहीं है, ये एक इनफाइनाइट है, क्लियर, दिस इज कॉन्ट्रोडक्शन, क्लियर, हेंस तो इससे हम क्या नतीजा हासिल करते हैं, हेंस इफ x is the limit point of f, अगर x f का limit point है, clear, and g is any open seat containing x is also contain infinite point of if, clear, तो हमारे theorem prove हो गया कि अगर g भी कोई open seat है जो x का इस point contain करते हैं तो ये का infinite point भी contain करेगा, clear, अब हम एक और theorem जो इससे बहुत related है हम वो करने वाले हैं कि एफ और थ्योरम का स्टेटमेंट है हमारे पास कि अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस T1 स्पेस है, क्लियर,
अगर कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस, अगर हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जो कि टी वन है एंड एफ इज फाइनाइट सब्सिट ऑफ एक्स, अगर इसका कोई भी फाइनाइट सब्सिट है क्लियर, तो इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। एक और थ्योरम है, इफ एक्स इज फाइनाइट टी वन स्पेस, इफ एक्स इज टी वन स्पेस एंड F is finite subset of X, subset of X clear, अगर F इसका finite subset है then F has no limit point, F is no limit point, F का कोई limit point नहीं होगा clear, has no limit point। तो किस तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं, बहुत हेजी है, चलिए देखते हैं। ये भी हम कंट्रोडक्शन से प्रूव करने वाले हैं। हम अज्यूम करते हैं कि एफ का लिमिट के हम इसके बारे का अज्यूम करते हैं, देखते हैं। गिवन दैट एक्स इज टी वन स्पेस, एक्स क्या है, एक्स इज टी वन स्पेस, एक्स एक टी वन स्पेस है clear, and F is finite subset, and F is finite subset of X, finite subset of X, F एक finite subset है इस X का, and we show that F has no limit point, क्लियर, नो लिमिट पॉइंट के एफ का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। सपोज दैट एक्स बिलोंग टू एक्स क्लियर, एक्स एंड एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। हमने ये बात मान लिया कि एक्स इसका कोई भी एलिमेंट है और ये इसका लिमिट पॉइंट है, और देखते हैं क्या होते हैं। एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एफ एंड जी इज, एंड जी इज एनी ओपन सीट, इज एनी ओपन सीट कंटेनिंग एक्स क्लियर, कंटेनिंग एक्स, जी कोई भी ओपन सीट है जो ये एक्स कंटेन कर रही है क्लियर। अगर जी कोई भी ओपन सीट है और इसमें ये पॉइंट मौजूद है, तो प्रीवियस थ्योरम से ये जी इसका इनफाइनाइट पॉइंट भी कंटेन करेगा, देन जी कंटेन इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ एक्स, फिर ये ऑफ एफ, सॉरी एक्स नहीं, एफ आप एफ क्लियर, तो फिर इस जी में एफ का इनफाइनाइट पॉइंट भी कंटेन होगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है क्लियर, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, ये बात तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये एक फाइनाइट है, किस तरह एक फाइनाइट सीट की इनफाइनाइट एलिमेंट एक दूसरी सीट में कंटेन हो रही है, ये तो पॉसिबल बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर ए हमारे पास एक फाइनाइट सीट है और बी हमारे पास कोई भी सीट है, अगर हम ये बात कहें कि इस ए का इनफाइनाइट पॉइंट इसमें मौजूद है, तो ये बात पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दिस इज अ फाइनाइट सीट में इनफाइनाइट पॉइंट तो नहीं होते क्लियर, हेंस व्हिच इज कंट्रोडक्शन, हेंस दिस इज कंट्रोडक्शन, दिस इज कंट्रोडक्शन क्लियर, ये कंट्रोडक्शन हुआ एंड
हिंस इफ इज फाइनाइट, अगर इफ फाइनाइट है देन इफ इज नो लिमिट फॉर, इफ का कोई भी लिमिट, इफ इज नो लिमिट फॉर, इफ का कोई लिमिट फॉर नहीं होगा। क्लियर? तो आज के लिए ये काफ़ी है। किसी को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो उसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह पामान। थैंक यू।